आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हाल ही में आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमना बनाए गए हैं, और इससे पहले आप देखते हैं कि 47वें थे आपके शरद अरविंद बोबड़े साहब, ठीक है। और आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि आपकी परीक्षाओं में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की बात कर लीजिए, स्टेट PCS हो, सिविल सर्विस हो, या फिर आपके वनडे एग्जाम हो। और मैं कहता हूँ कि एग्जाम छोड़िए, अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अपने मुख्य न्यायाधीश के बारे में। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक समय के लिए अगर हमारे पास उच्च न्यायालय या फिर आप समझिए इस तरह के न्यायालय ना हो, तो क्या लोकतंत्र का कोई मतलब रहेगा? आप समझिए आपके अधिकारों का कोई मतलब रहेगा? कोई भी आपके अधिकारों का हनन करेगा, आप लोग चुपचाप घर में बैठे रहेंगे। आप लोग 1947 से पहले जाइए, तब भी आप देखते हैं कि भेदभाव होता था। एक तरह से आप समझ सकते हैं कितनी बुरी स्थिति रहती थी, किसी भी जाति की बात कर लीजिए। आज आप ले देख लीजिए कि संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, आपको धर्म किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। और अगर आपके आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों की रक्षा करता है। और आप लोग ये भी सुनते होंगे, हो सकता है कि आपको प्रधानमंत्री पर भरोसा ना हो, या किसी एक पार्टी जो सत्ता में हो उस पर भरोसा ना हो। जब भी आप देखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमें भरोसा है, अपने संविधान पर हमें भरोसा है। तो आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र की या फिर मानव अधिकारों की एक तरह से रक्षा करने वाला रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, संविधान का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी दे देंगे यहीं, और आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस तरह से होती है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, और आपकी इसे किस तरह से हटाया जाता है उस पर भी बात कर लेंगे, और आखिर एक कौन है मुख्य न्यायाधीश जो अभी चुने गए हैं, NB रमना, NB रमन भी कहते हैं, तो ये आखिर हैं कौन, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अगर आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आराम से आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, और अगर परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर रहे हैं आप लोग तब भी आपको एक सामान्य जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 28 जनवरी 1950 को। इस डेट को याद रखिए, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाता है, 28 जनवरी 1950 को। और आप देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, संविधान में आप देखते हैं कि आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसी से संबंधित है। इसकी किस तरह से संरचना है, अधिकार क्षेत्र क्या क्या है, इस सब के बारे में बात करता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। और आपसे एक क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखिए H.J. कानिया, इस नाम को भी आप लोग याद रखिए। और आप देखते हैं कि आपके स्थानीय न्यायालय भी होते हैं, जिला न्यायालय आप देखते हैं, हाई कोर्ट है, फिर ऊपर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करें तो ये 48वें हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। और आखिर सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तय नियमों के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज को सुप्रीम कोर्ट के सबसे मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता है। और याद रखिए कई बार अपवाद भी देखा जाता है कि जो उच्च एक तरह से आपका सीनियर जज नहीं है उसे भी कई बार मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, लेकिन सामान्यतः उसे ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है जो सीनियर जज हो, जो सीनियर न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, याद रखिए। और नए मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए देश के कानून मंत्री वर्तमान समय के मुख्य न्यायाधीश से उनके अगले उत्तराधिकारी का नाम मांगते हैं, ठीक है। और जिसके बाद आप देखेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने अपने बाद सबसे सीनियर जज के नाम की सिफारिश कानून मंत्री को चिट्ठी लिखकर करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे CJI से जज के नाम की सिफारिश चिट्ठी मिलने के बाद कानून मंत्री से वर्तमान प्रधानमंत्री के सामने रखते हैं, एक पूरी प्रोसेस होती है।
फिर आप देखेंगे इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और आपसे क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है राष्ट्रपति साहब। लेकिन ये अब बड़ी प्रोसेस होती है इसमें, समझ रहे हैं आप, लेकिन एक तरह से ये नाम किसका रहता है, राष्ट्रपति साहब का। आप राज्यों में राज्यपाल के लिए देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री की सलाह पर, आप देखते हैं कि राष्ट्रपति अपने एक तरह से अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी राज्यपाल नहीं बना देते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट आप देखेंगे उसमें प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप रहता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जहां देश के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर अंतिम मुहर लगाता है, और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े जो 47वें थे, 23 अप्रैल 2021 को अपने कार्यकाल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और उन्होंने वर्तमान जस्टिस N.V. रमना को 24 अप्रैल 2021 से देश के 48वें CJI के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की थी। तो आपसे वन लाइनर में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि कौन से हैं, किस नंबर के हैं, तो 48वें हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जिस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी थी, और माननीय राष्ट्रपति ने 24 अप्रैल 2021 को N.V. रमना को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी शपथ दिलाई है, और N.V. रमना आंध्र प्रदेश से पहले शख्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाल रहे हैं। ये पहली बार है कि आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश का पद संभाल रहा है। और इनके कार्यकाल की बात करें तो 26 अगस्त 2020 तक होगा इनका कार्यकाल। वैसे याद रखिए जो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष, जब भी ये 65 वर्ष के हो जाते हैं इनका पद खाली हो जाता है, ठीक है, उससे पहले भी ये लोग हट जाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे यहां ये भी पूछा जा सकता है, इन्हें हटाने की प्रोसेस क्या है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि महाभियोग 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 जो राष्ट्रपति पर आप देखते हैं उसी तरह एक इन पर भी चल सकता है। आप लोगों को अगर मालूम हो तो राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग चलाया जाता है उसे आप लोग नीचे लिखिए, ठीक है। तो इन पर महाभियोग दुर्व्यवहार और असमर्थता के आधार पर चलाया जाता है, और याद रखिए इन्हें कोई प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों का एक तरह से समर्थन होना या उसके पक्ष में जरूरी होता है, और राज्यसभा में देखेंगे आप लोग 50 सदस्यों का अनिवार्य, यानी कि आपको अगर किसी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है, यानी कि जैसे आप लोग एक तरह से महाभियोग कह दीजिए, महाभियोग कह दीजिए, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे आपको लोकसभा में लाना है तो 100 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए, यानी कि समर्थन होना चाहिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों का। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है। उसके बाद आप देखेंगे संसद के दोनों सदनों से, राज्यसभा और लोकसभा से, 2/3 बहुमत के साथ पारित होना चाहिए उसे जो भी प्रस्ताव लाया गया। उसके बाद आप देखेंगे अंत में राष्ट्रपति साहब इसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, अगर ये सभी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो, ठीक है, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद देख लीजिए ये हैं आपके रमना साहब जो नए आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो याद होना चाहिए कि 27 अगस्त 1957 को जस्टिस N.V. रमना का जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक छोटे से गांव पोन्नावरम में एक किसान परिवार में हुआ था, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक किसान परिवार से निकले हुए हैं, और बचपन से ही वकालत करने की रुचि ऐसी लगी जो अब देश के सबसे बड़े न्यायाधीश बनने तक पहुंच गई इनकी। एक किसान परिवार से होते हुए भी देश के सबसे सम्मानित पद पर तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होगा। आप देखेंगे जस्टिस N.V. रमना का पूरा नाम है नूतन नूतल पाटी वेंकट रमन, और जस्टिस N.V. रमना की पत्नी का नाम है शिवमाला, ये भी आप लोग रखिए। इनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम है N.V. तनुजा और दूसरे हैं N.V. भुवाना, ठीक है। और अगर हम लोग इनके करियर की बात करें तो जस्टिस N.V. रमना अपने करियर वकालत में बनाने से पहले 2 साल तक एक क्षेत्रीय समाचार पत्र में एक पत्रकार के रूप में भी काम किया है, यानी कि ये शुरू में पत्रकार भी रहे हैं कुछ समय के लिए, लेकिन इनको लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बनाऊँ, तो सन 1980 में आप देखेंगे एक लॉ कॉलेज में
अपना एडमिशन इन्होंने लिया। उसके बाद देखेंगे इन्होंने अपनी पूरी पूरी पढ़ाई पूरी की और 10 फरवरी 1983 को एनबी रमना अपना रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक लॉयर के रूम में करवाया। आप जानते हैं कि जब आप लोग LLB कर लेते हैं तो इस तरह की कानूनी पढ़ाई जो भी कर लेते हैं तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जहां उनके काम के प्रति जुनून और ज्ञान को लेकर उनकी नियुक्ति 27 जून सन 2000 को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के स्थायी जज के रूम में कर दी गई। उसके बाद आप देखेंगे जहां उन्होंने एक से बढ़कर सराहनीय और कई साहसिक फैसले भी दिए। इसके अलावा उन्होंने आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूम में भी काम किया है। फिर उनके काम को देखते हुए उनका ट्रांसफर नई दिल्ली कर दिया गया और उसके बाद आप देखेंगे 2 सितंबर 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूम में भी इन्होंने काम किया। और यहाँ भी मुख्य न्यायाधीश के रूम में रहते हुए इन्होंने कई फैसले दिए। और जिसको देखते हुए आप देखेंगे 17 फरवरी 2014 को उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूम में कर दी गई। तब से लेकर अभी तक उन्होंने देश से जुड़ी अनेक संवेदनशील मामलों की सुनवाई भी कर चुके हैं और या फिर आप उसमें शामिल भी रहे हैं। जो भी फैसला हुआ या तो उसमें इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि शामिल रहे या डायरेक्ट, ठीक है। आगे देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहते हुए इनको और भी कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है और आप देख रहे हैं कि इन पर एक तरह से कई मामले भी दर्ज हैं, एक तरह से आप कहिए विवादों से भी जुड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपने देखा होगा कई इन पर एक तरह से विवाद भी खड़े किए हुए हैं, तो आने वाले वक्त में देखिए मालूम चलेगा उसका। अरे अगर हम लोग इनके फैसलों की बात करें कि इन्होंने अभी तक कौन कौन से फैसले सुनाए, तो जस्टिस NV रमना ने जम्मू कश्मीर में नवंबर 2019 में धारा 370 हटने के बाद से बंद पड़े 3G और 4G नेटवर्क के लिए केंद्र सरकार को ये कहते हुए चालू करने को कहा कि आप ज्यादा दिनों तक किसी मूल अधिकार से वंचित नहीं रख सकते हैं। आपने देखा है 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाई गई थी और आप जानते हैं कि आपका जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक आपका लद्दाख हो गया, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर हो गया। और याद रखिए लद्दाख आपका दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी लेकिन आप देखेंगे कि लद्दाख में विधानसभा की कोई व्यवस्था नहीं होगी, ठीक है। और आप जानते हैं एक बहुत लंबे समय तक वहाँ नेटवर्क बंद ही रहे, इंटरनेट शटडाउन रहा है, शटडाउन, ठीक है। और इन्होंने हर हाल में जम्मू कश्मीर के लोगों को नेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी और आप टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसके बाद आपने देखा है 2020 में तुरंत केंद्र सरकार को वहाँ सारी सुविधाएं लगभग शुरू कर देनी पड़ी, ठीक है। और आपने देखा होगा देश के सबसे बड़े न्यायाधीशों के कार्यालय को भी RTI यानी कि सूचना के अधिकार में लाने का इन्होंने काम किया है, ठीक है। आप जानते हैं कि आप RTI डालते रहते हैं, आपके यहाँ आसपास जो भी काम हो रहा होता है या कोई भी सूचना आपको चाहिए होती है तो आप लोग सूचना के अधिकार के तहत अपनी सूचना मांगने का काम करते हैं। इसमें आप देखेंगे फैसला NV रमना ने ही सुनाया था इसका, और उन्होंने ये फैसला ये कहते हुए सुनाया था कि देश के हर नागरिक को CJI कार्यालय के बारे में जानकारी रखने का अधिकार है और इससे आम जनता में CJI की साफ साफ छवि बनी रहेगी। और आप समझ सकते हैं कि होनी भी चाहिए, कि आप सोचिए कि मतलब आपके लिए वो बैठे हुए हैं, आपको उनके बारे में जानकारी ना मिले तो ये क्या होता है कि अविश्वास बढ़ता है लोगों का। अगर हम इनके विवाद इनसे जुड़े विवादों की बात करें कि जो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी साहब, तो NV रमना ने जीवन में जितने सफलता हासिल की है उतना ही उनका विवादों से भी नाता जुड़ा हुआ है। इस पर आप देखेंगे अक्टूबर 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अक्टूबर 2020 को भारत की वर्तमान जो अभी मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है, इनके ऊपर आरोप है। और उस आप समझे इससे पहले 47 में जो आपके मुख्य न्यायाधीश थे SA बोबड़े को पत्र लिखकर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाया था, तो ये भी एक तरह से विवाद खड़ा हुआ है, एक तरह से इसका फैसला हो जाना चाहिए था। अब देखिए उन्हीं के कार्यकाल में अगर फैसला होता है तो ये भी कहने को हो जाता है कि उनने अपने पक्ष में फैसला करवाया है, तो ये भी विवाद बना रहेगा। इनके अपने पत्र में उन्होंने आरोप लगाया कि NV रमना और उनके करीबी रिश्तेदार आंध्र प्रदेश में अवैध रूप से जमीन के खरीद फरोख्त में शामिल थे और उनके सरकार को गिराने का प्रयास भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े गंभीर आरोप को जांच कर उन पर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। और जिसके बाद आप देखेंगे दिल्ली उच्च न्यायालय पर बार एसोसिएशन ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा लिखे गए इस पत्र की काफी निंदा की
अखिल भारतीय वकील संघ ने रेड्डी पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया और कहा कि यदि इनके द्वारा लगाए गए आरोपी बेबुनियाद होंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। और अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है, इसकी पूरी सुनवाई होनी अभी बाकी है, याद रखिए। तो यही कहानी है आपकी सुप्रीम कोर्ट की और एक तरह से आपके रमन साहब के बारे में, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछता है तो आराम से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये भी अगर आपसे क्वेश्चंस आता है तो आप लोग जरूर सॉल्व करेंगे। एक और आपसे क्वेश्चंस अगर पूछे कभी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो ये आप लोग याद रखिए, ये देता है राष्ट्रपति साहब को। नियुक्ति भी राष्ट्रपति साहब ही करते हैं और एक तरह से इनका अगर इन्हें देना है, अपने मन से त्यागपत्र देना है, हटना है, तो ये भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, इतना काफ़ी है मुझे लगता है।